की जनता पुकार करे और मिल के गुहार करे, की जनता पुकार करे और मिल के गुहार करे, और कोई सोनी बाटे सरकार हो। जिलावा में बंद बाड़े मनीष कश्यप भैया, रुवत बाटे यूपिया बिहार हो। जिलावा में बंद बाड़े मनीष कश्यप भैया, रुवत बाटे यूपिया बिहार हो। जिस वीडियो के चलते उनको अरेस्ट किया गया, तो वो इनसे मतलब धारा क्यों लगाए, मैंने क्या वो किए थे, किसी का रेप किए थे, किसी का बलात्कार किए थे, तो आखिर क्यों ऐसा हुआ, आखिर क्यों ऐसा हुआ? अभी सरकार को कैसन सरकार कर रहे, आपके ऊपर भी FIR दर्ज होंगे, क्या करेंगे? कौन करेगा FIR हम पे? कितने लोगों को करिएगा आप? माने है जितना पब्लिक तन पब्लिक को दिखाएं रुआ, है जितना पब्लिक लोग घूमा था, जितना लोग बा हमनी के साथ है, कितने लोगों को आप अरेस्ट करिएगा? दुखी अन गरीब बन के और बन ले आवाज हो, इन के पे बाट पूरा है देशवा के नाज हो। अरे चाहे रोड नाला होखे और चाहे घोटाला होखे, और चाहे होखे बड़ा भ्रष्टाचार हो। जिलावा में बंद बाड़े मनीष कश्यप भैया, रुवत बाटे यूपिया बिहार हो। एक आवाज जो कभी गरीब असहाय बेरोजगारी के लिए मजबूत ध्वज बनता था, आवाज बनता था, वह आवाज तमिलनाडु मदुरई जेल में बंद है। उस आवाज के लिए बिहार यूपी के सभी लोग बेकरार है कि फिर से बाहर आए और फिर से भ्रष्टाचारियों को रिलाई करे और भ्रष्ट सिस्टमों को खत्म करे। उनको बाहर निकालने के लिए हम जिस व्यक्ति का बात करें, उस व्यक्ति का नाम है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप को बाहर निकालने के लिए यूपी बिहार के सभी लोग बेकरार हैं और तमाम तरह के आवाज उठाने का कोशिश करते हैं। फेसबुक यूट्यूब पर हमेशा से लिखते हैं आई सपोर्ट मनीष कश्यप, आई स्टैंड विथ मनीष कश्यप। तमाम तरह के जितने भी एफर्ट लगा सकते हैं, जो लोग अपनी तरीके से प्रयास करते रहते हैं। आज महनवा डुमरी यानी कि मनीष कश्यप का गाँव, उनके घर के बगल में हम बैठे हैं। हमारे साथ कैमूर जिला के नीतीश मिश्रा जी हैं। इनको अलग चैनलों पे तरह तरह के गाने सुनते होंगे, लेकिन इनका गाना काफ़ी वायरल हो रहा है जो कि मनीष कश्यप को लेकर गाना गाए हैं। वो गाना गाते ही काफ़ी चर्चा में आ गए और गायकर है, पहले से भी चर्चा में थे, लेकिन मनीष कश्यप को लेकर जिस तरह के दर्द भरा गाना गाए हैं, अपने शब्दों के अपने स्वर से ब्याह किया, शायद सुनकर आप भी एकदम सोचने लगेंगे। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत करें अपने शान न्यूज़। सबसे पहले आपके शान न्यूज़ में नाम तो बड़ा बढ़िया रख रहे बनी जी रुआ। शान न्यूज़ में जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम। अब सबसे पहले तो स्टार्ट वहीं से करेंगे कि जो गाना आप मनीष कश्यप के लिए बनाया है, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को और मनीष कश्यप जितने भी फैंस हैं चाहते हैं उनको सुनाने का कोशिश करें आप। जरूर। की जनता पुकार करे और मिल के गुहार करे, की जनता पुकार करे और मिल के गुहार करे, और कोई सोनी बाटे सरकार हो। जिलावा में बंद बाड़े मनीष कश्यप भैया, रुवत बाटे यूपिया बिहार हो। जिलावा में बंद बाड़े मनीष कश्यप भैया, रुवत बाटे यूपिया बिहार हो। दुखी अन गरीब बन के और बन ले आवाज हो, इन के पे बाट पूरा है देशवा के नाज हो। अरे चाहे रोड नाला होखे और चाहे घोटाला होखे, और चाहे होखे बड़ा भ्रष्टाचार हो। जिलावा में बंद बाड़े मनीष कश्यप भैया, रुवत बाटे यूपिया बिहार हो। सबसे पहले तो धन्यवाद देंगे, लेकिन इस गाने में आपने जिक्र किया कि कैसन बस सरकार को ललकार करने के बाद मनीष कश्यप जेल के सलाखों के पीछे हैं। आप भी सरकार को कैसन सरकार कर रहे, आपके ऊपर भी FIR दर्ज होंगे, क्या करेंगे? कौन करेगा FIR हम पे?
कितने लोगों को करिएगा आप, माने है जितना पब्लिक तन पब्लिक दिखाई रुआ है, जितना पब्लिक लोग घूमा था, जितना लोग बा हमने के साथ है, कितने लोगों को आप अरेस्ट करिएगा। सच्चाई देखिए, सत्य जो होता है ना परेशान हो सकता है पर पराजित कभी नहीं होता है, बात आप समझ लीजिए। और जिस वीडियो के चलते मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप भी उसी मीडिया वाले से हैं, कहीं ना कहीं मतलब मैं जानता हूँ कि आप जो हैं आप उस वीडियो को नहीं चलाएंगे, मुझे पता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो इस वीडियो को चलाए थे भैया, हैं तो उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया, उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया, केवल भैया पर क्यों ये मतलब इनसे मतलब धारा लगाया गया, क्योंकि उन्होंने सरकार को चैलेंज किया था। चैलेंज नहीं किया था, आप एक बात बताइए, कहावत के तौर से आपको हम पूछते हैं आपसे, अगर जाके आगे अगर आप मैंने सांप के बिल में हाथ लगे तो सांप आपको क्या करेगा, काटेगा ही काटेगा। तो उनको इतनी मतलब पीछे से इतना प्रेशर हुआ ना, सांप भी नहीं चाहता आपको काटना, जब तक उसको जाके आप पकड़िएगा नहीं या कुछ करिएगा नहीं तब तक आपको कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो इनको इतना प्रेशर किया गया, इतना प्रेशर दिया गया कि उनको ये मैंने काम कहना ही पड़ेगा, कौन मैंने गलत काम कर दिए। अच्छा, मैंने देशद्रोह, आप एक बात बताइए, पूरी पब्लिक देख रही है इस वीडियो को, मैंने इस मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस वीडियो को चलते उनको अरेस्ट किया गया तो वो इनसे मतलब धारा क्यों लगाया, मैंने क्या वो किए थे, किसी का रेप किए थे, किसी का बलात्कार किए थे, तो आखिर क्यों ऐसा हुआ। अच्छा एक बात मिश्रा जी, आप मनीष कश्यप को लेकर इतना डाई हार्ड फैन क्यों हो गए, क्या लगता है मनीष कश्यप? मैं ही नहीं हूँ, यूपी बिहार के जो भी लोग देखा था सब लोग बा, एगो हम ही नहीं की, सब लोग ऐसा ही बा, आ जब तक भैया निकल ना जाइए तब तक ये काम होई जी। अच्छा दर्शकों से उनके चहेता जो है लगातार कोशिश करें कि मनीष कश्यप बाहर निकले, मनीष कश्यप जल्द रिहाई हो, उनके सब क्या कहना चाहेंगे? ज्यादा आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि आपने गाने के माध्यम सब कुछ बयां कर दिया, उन दर्शकों का क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है दिल से सपोर्ट करिए, जो भी करना है दिल से करिए, मतलब आई सपोर्ट मनीष कश्यप, जिंदाबाद जिंदाबाद मनीष कश्यप, लिखने से कुछ नहीं होगा, करना है तो दिल से करिए, चलना है तो चलिए तमिलनाडु, वहाँ पर जो करना है करिए। अच्छा आप कहाँ से आए हैं? कैमूर जिला से। कितना किलोमीटर है यहाँ? 700 किलोमीटर। कब चले थे? कल चले थे। मतलब इतना धूप में सब एसी कूलर में घर में सोया है, अब मनीष कश्यप के लिए यहाँ रोड पे आया, क्या कारण है? अरे भाई एक बात बताइए, आप उसी परिवार से उसी मीडिया से हैं जो मतलब जो मनीष भैया मतलब एक दूसरे के लोगों के लिए मतलब ऐसा काम करता था, मतलब जाकर सरकार को दिखाता था, मतलब जहाँ टूटा फूटा उसको करता था, बच्चों को पढ़ाई लिखाई का सारा उपलब्ध कराता था, आज उसी के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो जेल में चल गया तो हम भी सो जाएं? बिल्कुल। चलिए कहीं ना कहीं गरीब मजदूर असहाय लोगों के लिए मनीष कश्यप आवाज बनते थे, उन्हीं का देन है, वहीं कमाया हुआ है लोग है, एक बार दिखा दीजिएगा ताकि इतने धूप और गर्मी में 44 से 45 डिग्री सेल्सियस में लोग आकर यहाँ पर उनके समर्थक के लिए महासभा में शामिल हो रहे हैं और लोग प्रयास कर रहे हैं, यहाँ से कागज होगा कि मनीष कश्यप को जल्द से जल्द रिहाई किया जाए और मनीष कश्यप के कामों को लोग के समक्ष रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग मनीष कश्यप के कामों को उल्टा सीधा दिखा रहे हैं और यहाँ के सभा का एक प्रयास है कि लोगों के अच्छे कामों को लोगों के समक्ष रखा जाए। बाकी आप सामने देख रहे थे वीडियो, देखने के लिए सभी दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय बिहार।